लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत राज्य कर्मचारियों ने बिजनौर में आज एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया। बिजनौर में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी सफाई कर्मचारी व चिकित्सकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांग पत्र भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मचारियों को ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर पदोन्नत करने और सफाई कर्मचारियों को 1900 ग्रेड पे दिलाने सहित कई मांगे उठाई। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। पुरानी पेंशन बहाली सहित 13 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के नेतृत्व में और हमारे सहयोगी संगठन के रूप में राज्य कर्मचारी शोध परिषद, अटेवा मंच, महासंघ, तमाम इसमें लगभग 12-13 संगठनों के लोग हैं। आप देख रहे हैं राज्य कर्मचारी शोध परिषद के जिला अध्यक्ष जी, महासंघ के जिला अध्यक्ष जी, अटेवा के प्रदेश संगठन मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, मकान, तमाम विभाग के लोग सड़कों पर हैं। 26 नवंबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन NMOPS के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली पे एक बहुत बड़ा, पूरे देश से लाखों लोग आ रहे हैं। सिर्फ हम सरकार से ये जानना चाहते हैं, माननीय मोदी जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, माननीय योगी जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, बहन मायावती जी पुरानी पेंशन ले रही हैं, अखिलेश यादव जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। जब हम शिक्षक को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को पुरानी पेंशन देने की बात आती है, कहते हैं पेंशन देश पे भार है। मैं प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय अनुपचंद पांडे जी ने कहा कि आप नई पेंशन ले लो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप नई, आप पुरानी, हम नहीं। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया कि सबको समानता का अधिकार है। कहाँ समानता का अधिकार है? मोदी जी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ, वो पुरानी पेंशन ले रहे, गुजरात से विधायक का पेंशन ले रहे हैं और वाराणसी से सांसद का पेंशन ले रहे हैं। बहन जी दो पेंशन, अखिलेश यादव जी दो पेंशन, मुलायम सिंह यादव जी दो पेंशन। लेकिन जब शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों को पेंशन देने की बात आती है, इनका पिटारा खाली हो जाता है। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा और सफाई कर्मचारी अपने प्रमोशन के लिए और 900 ग्रेड पे के लिए संघर्ष जारी रखेगा। और आज ये संघर्ष की जो शुरुआत है, 26 नवंबर को पूरे देश से लगभग 1 लाख से अधिक लोग उस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम संसद मार्च करेंगे।